नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस टीचिंग, जो कि साइंस टीचिंग में हम आपको हर बार बताते हैं, हर वीडियो में आपको बताते हैं कि साइंस टीचिंग ही नहीं बल्कि वो साइंस टीचिंग के साथ साथ जीव विज्ञान टीचिंग अगर आ जाए तो वो भी साइंस टीचिंग के अंतर्गत है, मैथ अगर है तो मैथ भी जो है वो भी हम साइंस टीचिंग के अंतर्गत लेके चल रहे हैं, और गृह विज्ञान का जो पार्ट है उसको भी लेके चल रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग साइंस टीचिंग ही नहीं अध्ययन करेंगे बल्कि साइंस टीचिंग के साथ साथ एक अगर आपको इंग्लिश टीचिंग छोड़ दिया जाए, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लिश ही बस छोड़ दिया जाए, इंग्लिश टीचिंग का ही बस सब्जेक्ट, बाकी ऐसा कोई भी मतलब जिस भी आप चाहे हिंदी के हों, चाहे विज्ञान के हों, चाहे कॉमर्स के हों, जो भी आप हों, गृह विज्ञान हों, सोशल के हों, जिसके भी आप हों, जो भी आपकी टीचिंग हो, वो सब में आपको ये काम करेगा आज का वीडियो। जैसा कि आप देखिए हेडिंग लिखा भी गया है कि पाठ योजना के पद। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे कि पाठ योजना क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आप एक एक वीडियो देखते हुए जाएंगे तो सब आपको एक एक वीडियो पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे पहले हम विधि पढ़ाए थे, विधि के बाद आपको पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना के बारे में हम बताए हैं, और पाठ योजना के आज पद बता रहे हैं, और इसके बाद अब आपको बताएंगे कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। तो जैसे जब आप पाठ योजना जो बनाते हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपके पेपर में 15 नंबर का पाठ योजना पूछता है, तो उसी पाठ योजना जब आप बनाते हैं शिक्षण कार्य, जब आप जाकर के किसी न किसी कॉलेज में, जब आप किसी स्कूल में, जब आपको लगाया जाता है शिक्षण कार्य के लिए, तो उसमें आप पहले पाठ योजना बना करके तब आप जाकर के वहां शिक्षण कार्य करते हैं। तो उसी पाठ योजना जब आप बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पद आते हैं, आप अपनी पाठ योजना मतलब अच्छे से शिक्षण कार्य करने के लिए किस किस पाठ योजना का मतलब उसमें पद जो होते हैं उन्हीं पदों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस चैनल पर जितने भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप देख रहे हो आप तो लाभान्वित हो ही, आपके साथ साथ और भी लोग जितने भी लोग हों वो भी लाभान्वित हो सकें। तो आज हम लोग देखेंगे पाठ योजना। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आप चाहे हिंदी के होंगे तो भी आप देखिए, आप अगर साइंस के हों तब भी देखिए, मैथ के हों तब भी देखिए, क्योंकि पाठ योजना के जो पद हैं, क्योंकि जब पाठ योजना आप बनाएंगे तो थोड़ी थोड़ी मान लीजिए वहाँ चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन जब पाठ योजना के पद आप जब लिखेंगे, क्योंकि ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पिछले साल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पेपर में पिछले साल सिर्फ और सिर्फ पाठ योजना बनाने के लिए आया था, और ये गारंटी मैं कह रहा हूँ कि या तो पाठ योजना का पद पूछेगा पेपर में, और या तो पाठ योजना कैसे बनाया जाता है कोई आप अपने से टॉपिक चूज करके और उसी के बारे में आप पाठ योजना बना दीजिए, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट के हों, आपका जो भी टीचिंग हो, तो आपको उसमें सोचना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब पाठ योजना जब आप पूछेगा, उसके पद जब पूछेगा, तो ये गारंटी मैं कर रहा हूँ कि पिछली बार अगर आपको पाठ योजना पूछा था तो हो सकता है इस बार लगभग लोगों ने 90% 80% लगभग चांस है कि पाठ योजना का पद पूछ दे, या हो सकता है पद के साथ साथ आपको पाठ योजना दोनों पूछ दे, आपको जो आसानी लगेगा, जो ईजी लगेगा आप उसको लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाठ योजना के पद क्या होते हैं और पाठ योजना होती क्या है। तो पाठ योजना तो आज हम बनवाएंगे नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ पाठ योजना में जितने भी 15-16 पद जो होंगे उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे हम 15-16 जितने भी पद हैं उनको मैं लिख दिया हूँ, और फिर इसके बाद हम आपको एक एक पद में बताएंगे कि एक एक जो पद है उसकी जो हेडिंग है उसमें भी आप 4-4 5-5 लाइन क्या लिखेंगे या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहीं समझा देता आप लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा 2-4 लाइन इसलिए दे देंगे बाद में इसी वीडियो में, ताकि आप उसको अच्छे से थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा और आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे, एक बार उसको समझ लेंगे तो आप अच्छे से पाठ योजना के पद को लिख के चले आएंगे और आपका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर कहीं 15 नंबर तो वो उसके लिए है जो कि पेपर शायद बढ़ भी सकता है, आपका नंबर हो सकता है 25-25 नंबर का भी शायद बीच में पूछने लगा था, तो वैसे भी आपको मिल सकता है नंबर। तो देखिए पाठ योजना के निम्नलिखित पद क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप पद को देखिए क्या है, विद्यालय का नाम। जब भी आप पाठ योजना अपना बनाना जब शुरू करते हैं, आप जब पाठ योजना बनाने के लिए अपने कापी पर जब पाठ योजना बनाते हैं, तो उसमें आप सबसे पहले ऊपर आप लिखते हैं पाठ योजना, और पाठ योजना के बाद जस्ट आप नीचे वाले कॉपी में पहले ही लाइन में आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, कि आप किस विद्यालय में शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, तो विद्यालय का नाम लिखेंगे। और विद्यालय का नाम लिखने के बाद फिर आप एक कालम बनाएंगे, और कालम बना करके उसमें आप लिखेंगे दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, कालांश, अवधि और उपविषय। इसमें भी आपको जो हम पाठ योजना जब बनाना जब सिखाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये जो प्रकरण जो आपका है, ये प्रकरण आपका नीचे वाले लाइन में चला जाएगा सबसे पहले, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जब आप कालम बनाएंगे तो उसमें सिर्फ 6 कालम को आप बनाएंगे, दिनांक, विषय, कक्षा और कालांश, अवधि और उप अवधि को।
उपविषय को, सॉरी उपाधि नहीं उपविषय। तो इस आप छः कालम को आप बनाएंगे, कालम में रख लेंगे और प्रकरण उसके बाद आप लिखेंगे। और प्रकरण आप कब लिखेंगे, कब आप प्रकरण के बारे में खोजेंगे, जब आप प्रस्तावना निकलवा लेंगे बच्चे को, तब आप बोर्ड पे प्रकरण को लिख करके आप, तो पहले इसमें आप प्रकरण लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में आप जब जाएंगे तो पाठ्य योजना में सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य देखेंगे कि पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो आप कहीं ना कहीं तीन चार पॉइंट सामान्य उद्देश्य के बारे में लिखेंगे और तीन चार पॉइंट पाठ्य योजना जब आप बनाने लगेंगे तो उसमें आप विशिष्ट उद्देश्य को लिखेंगे। तो चार पाँच ऐसे करके लगभग 8-10 पद को लिखेंगे आप, 8-10 लाइन करके। उसके बाद देखिए क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री, कि जब आप कक्षा कक्ष में जब आप शिक्षण सहायक सामग्री जब लेकर के जाएंगे, आप जो भी पाठ्य योजना बनाए हैं, जो भी आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको शिक्षण सहायक कौन कौन सी ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं जिसको कि आप उस कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण कार्य करते समय किन किन सामग्रियों का आप उपयोग करेंगे। तो आगे शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आप देखेंगे शिक्षण की विधि। आपको हम इसी वीडियो में, मतलब साइंस टीचिंग के जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षण की विधियां सबसे पहले ही हम वीडियो में शुरुआत किए थे कि शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, और शिक्षण की जितने भी विधियां, लगभग 7-8 विधियां जितनी भी साइंस की हैं, उसको हम विधियों को आपको पढ़ाए हैं। तो उसमें आप जब कक्षा कक्ष में जब आप पढ़ाने के लिए जब बच्चों के सामने जब आप जाते हैं तो किन किन शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करके बच्चों को सिखा पाते हैं अच्छे से अच्छा। उसके बाद देखिए क्या है, पूर्व ज्ञान की जरूरत कब पड़ती है, जब आप प्रस्तावना जब निकलवाने लगते हैं तो बच्चे को पहले से क्या ज्ञान होता है, थोड़ा मोड़ा वो कितना जानता है, और बाद में बच्चे को आप क्या बताने वाले हैं। तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को आपस में आप जोड़ते हैं, तो वही चीज़ है पूर्व ज्ञान की, बच्चा पहले से क्या चीज़ जानता है। तो ये सब चीज़ें आपको हम पद यहाँ पे बता देंगे कि पद कैसे लिखा जाता है या पद क्या लिखेंगे। पद हर एक, मतलब पूर्व ज्ञान जिसमें भी होगा, एक एक दो दो लाइन जो भी आप समझ में आएगा आपको हम अभी नोट्स बनवा के दे देते हैं। और उसके बाद आपका फिर प्रस्तावना आप निकालेंगे। प्रस्तावना के लिए ही जरूरत पूर्व ज्ञान की पड़ती है कि जब आप प्रस्तावना जब बच्चों के सामने जब कक्षा कक्ष में जो आप निकलवाने लगते हैं तभी पूर्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि जो हमारे सामने जो बच्चा हमारा बैठा है, जो पढ़ने के लिए छात्र, जो छात्र छात्राएं जो हैं, वो कितना उनको अनुभव या कितना वो जानते हैं, वो उनको कितना की चीज़ें उनको पता है, उसी के आधार पे आप अपना पाठ्य योजना बनाए रहेंगे और उसी के आधार पे उनको पढ़ाने का और समझाने का, उनको और अधिक से अधिक ज्ञान आप देने का प्रयास करेंगे। तो आपका हो गया पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना। आगे देखिए क्या है कि उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपको बताएंगे कि उद्देश्य कथन क्या होता है। उसके बाद देखिए, तो ये बातें तो आप कहीं ना कहीं 9 पॉइंट जो हैं, ये 9 पॉइंट आपको गृह विज्ञान होंगे, विज्ञान होंगे, जीव विज्ञान होंगे, मैथ भी अगर होंगे तो मैथ में भी ये चीज़ें यही चलेगा, उसमें कोई चीज़ें चेंज नहीं होने वाली। थोड़ा मोड़ा अगर होगा तो जब प्रस्तावना, वो क्या नाम है, जब हम पाठ्य योजना बनवाएंगे तो उसमें अगर होगा तो एक पॉइंट आपको हम बता देंगे। उस समय फिलहाल ये 16 पॉइंट के अलावा हमें नहीं लगता है कि वही जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये 9 पॉइंट जो हैं आपको, चाहे इतिहास होंगे, भूगोल होंगे, हिंदी के लिए थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बता दिया था, और इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश वाले टीचर जो होंगे आपको बताएंगे। अब देखिए 10वां जो पॉइंट है, विषय स्थापन हिंदी। इसका कहने का मतलब क्या है कि विषय स्थापन जब आएगा, जब हेडिंग, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी। अगर आप साइंस के होंगे, अगर आप मैथ के होंगे, अगर आप जीव विज्ञान के हैं, अगर आप क्या नाम है इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, तो आप उसमें से ये विषय स्थापन हिंदी को आप यहाँ से पाठ्य योजना के पदों में से, अगर आप पाठ्य योजना मान लीजिए पेपर में आपके पूछ दिया और पाठ्य योजना का पद अगर आप लिख रहे हैं, तो विषय स्थापन हिंदी इस पार्ट को, इस हेडिंग को आप वहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे। इसको कौन लिखेगा, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बच्चे अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बच्चे इसको आप हेडिंग बना करके एक अपना बढ़ा लीजिएगा हेडिंग, और हिंदी वाले लिख लेंगे। बाकी अगर आप उस हिंदी के अलावा किसी भी आप हों तो उसको आप मत लिखिएगा, इस वाले हेडिंग को आप हटा दीजिएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे वहां पे कि आप पाठ्य योजना को समझे नहीं हैं, आप पाठ्य योजना बनाए नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रट डाले हैं और कहीं से आपको मिल गया था नोट्स, आप रट करके पेपर में आके लिख रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप पकड़े जाएंगे और आपका नंबर कहीं ना कहीं कट जाएगा। अगला देखिए क्या है, प्रस्तुतिकरण। कि आप प्रस्तुतिकरण जब आप बनाएंगे, पाठ्य योजना जब बनाएंगे, तो प्रस्तुतिकरण आप कक्षा कक्ष में, जैसे हम आप यहाँ पे बना करके अपना आए हैं और आपको हम प्रस्तुतिकरण अपना बोल करके आपको बता रहे हैं, तो ये आपका प्रस्तुतिकरण अगला हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न, जब आप प्रस्तुतिकरण जब आप कर लेंगे तो फिर एक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, सब कुछ आपको हम बताएंगे। आज पद के बारे में लिखवा देंगे और पद के बाद जब पाठ्य योजना बताने लगेंगे तब आपको बताएंगे कि बोधात्मक प्रश्न कब आता है, प्रस्तुतिकरण कब हम करते हैं, श्याम पटकार्य कब करते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो अगला हेडिंग आपका है
से हम पटकार, उसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे कक्षा कक्ष में, जब आप पढ़ा लेंगे बच्चों को उस अनुबोधात्मक प्रश्न, उनसे जब आप पूछ लेंगे, आप उनको कुछ ना कुछ श्यामपट पे कुछ क्वेश्चन होंगे उनको लिखने के लिए जब आप दे देंगे, बच्चा उसको भी उतार लेगा, तब आप कक्षा कक्ष में घूम घूम करके निरीक्षण कार्य आप करेंगे कि बच्चा जो कुछ भी हम संपटकार पे या जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं क्या बच्चा उसको नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आप निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर आप घर के लिए, या घर के लिए नहीं कहा जा सकता है, तो जब इतना कार्य आप जब कर लेंगे तो फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न, कहने का मतलब कि एक दो क्वेश्चन बच्चों से और आप पूछ लेंगे कि कितनी जितनी भी चीज़ें हम कक्षा कक्षा में पढ़ाए हैं क्या बच्चा वो सब कुछ सीख पाया है, या सब कुछ वो उसके बारे में जान पाया है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पता चले सब कुछ पढ़ा डालें और बच्चे के दिमाग में कुछ भी न बैठा हो। तो इसलिए पुनरावृत्ति के एक दो क्वेश्चन और पूछ करके हम अपना सेटिस्फेक्शन ले लेंगे कि नहीं बच्चा सब कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। और लास्ट में आपको पता ही है कोई भी ऐसा नहीं बचता है जिसके लिए कि अगर आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए या कक्षा कक्ष में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक टीचर गृह कार्य देता है जो कि बच्चा अपना उसको घर से करके आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके 16 पद थे। इसमें आपका विषय स्थापन बार बार बता देना हो कि हिंदी के ही सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसको हेडिंग में अपने डालेंगे और इस पूरे पद में हिंदी को रखेंगे, और नहीं तो बाकी अलग हिंदी के अलावा और इंग्लिश को छोड़ देंगे, क्योंकि इंग्लिश के भी इंग्लिश वाले टीचर अपना पद बताएंगे, उनके हमने मतलब है अगर होगा जैसा होगा तो अपना समझेंगे, बाकी जो भी होंगे विषय स्थापन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आप बताएंगे, बाकी उसके आप हिंदी को हटा करके। तो आप अगर ऐसे देखा जाए तो आपके सिर्फ और सिर्फ एक पद अगर आपके यहाँ से हट जाते हैं तो आपके 15 पद बचते हैं। तो ये हेडिंग आप लिख लीजिए, इसमें हम 4-5 पॉइंट आपको फिर देने चल रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे आप समझ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आइए, देखिए जैसे कि हम आपको बताए भी थे कि 16-15 पद हैं, उसमें एक एक पद को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप देखिए क्या है विद्यालय का नाम, क्या इसको लिखवाने की हमें ज़रूरत थी यहाँ पे? नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको एक दो लाइन ऐसे दे दिए कि आप अपने मन से भी वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख सकिए। देखिए क्या है कि किसी भी विषय की पाठ्य योजना का प्रारंभ करने से पहले श्यामपट पर उस विद्यालय का नाम लिखना आवश्यक होता है। सही बात है, तो क्या इसको बताने की हमें क्या जरूरत थी, क्या लिखवाने की जरूरत थी? लेकिन फिर भी अगर आप इसको लिख लेते हैं पाठ्य योजना में, अगर आपको जब पाठ्य योजना के जब पद जब लिखना होगा तो आपको कॉपी में ये पद लिखना पड़ेगा, ये 4 लाइन लिखना पड़ेगा, या आप अपने से कुछ अगर बना सकते हैं तो कुछ बना करके आपको लिखना पड़ेगा कि जब भी विद्यालय के जब भी हम पाठ्य योजना जब बनाते हैं या जब भी हम शिक्षण कार्य करने के लिए कक्षा कक्ष में जाते हैं तो सबसे पहले से हम पट पर क्या करेंगे तो विद्यालय का नाम लिख देंगे। तो इस चीज़ को आपको हिंदी में अपने शब्दों में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाठ्य योजना के ये पद है, पद में इन्हीं को दो दो लाइन तीन तीन लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। अगला देखिए क्या है कि दिनांक विषय प्रकरण कक्षा कलांश अवधि उपविषय ऐसा अगर जब रहता है तो आपको क्या करना होगा, क्या उसमें आप लिखेंगे तो पाठ्य योजना की तैयारी इन्हीं तथ्यों के निर्धारण से होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जब आप पाठ्य योजना की जब आप तैयारी करते हैं, जब आप पाठ्य योजना जब बनाने जब शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले दिनांक कि आप उस पाठ्य योजना को किस दिनांक में आप पढ़ाना चाहते हैं, विषय आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं कि आपका गणित पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जो विषय आप पढ़ाते हैं उस विषय के बारे में, उपविषय यहाँ पर हम छूट गया है तो उपविषय में कि गणित अगर है तो गणित में कौन सी गणित है, रेखा गणित है, कौन सी बीज गणित है कि अंक गणित है, कि अगर साइंस है तो साइंस में जीव विज्ञान है कि क्या नाम है रसायन विज्ञान है कि भौतिक विज्ञान है, उपविषय को आप डालेंगे। फिर रहता है प्रकरण, प्रकरण आप कब रखेंगे, जब आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब आप प्रस्तावना निकलवा देंगे तब आपको प्रकरण रखना होता है, हम इसी में डाल दिए हैं इसलिए। उसके बाद कक्षा, आप किस कक्षा के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं, आप किस कक्षा 5 के लिए बना रहे हैं कि 8 के लिए बना रहे हैं कि 10 के लिए बना रहे हैं, तो कक्षा का आप देंगे। कलांश देंगे, कलांश के लिए कौन सा कलांश आप पढ़ा रहे हैं, तीसरा पीरियड आप पढ़ा रहे हैं, चौथा कलांश पढ़ा रहे हैं कि पांचवा पढ़ा रहे हैं कि पहला ही कलांश आप पढ़ा रहे हैं। कलांश का मतलब होता है जो आप कक्षा मतलब स्कूलों में जब आप जाते हैं तो आपकी 7-8 जो घंटियाँ बटी हुई रहती हैं, पहली घंटी आपकी चल रही है, दूसरी घंटी चल रही है, उसी को पीरियड कहते हैं कि पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, इस तरह करके वही कलांश है। और उसके बाद आती है अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, कि आप कितने अवधि मतलब कितने टाइम पीरियड का आपका क्लास है, सॉरी
किसी किसी का होता क्या है 35 मिनट का मतलब क्लास होता है, किसी का 45 मिनट का होता है, किसी का 40 मिनट का होता है। तो आपका जो अवधि होता है, जो टाइम पीरियड होता है, आप कक्षा कक्ष में कितने मिनट का आपका मतलब पाठ योजना, या आप कक्षा कक्ष में कितने मिनट आप पढ़ा रहे हैं, 45 मिनट पढ़ा रहे हैं कि 35 मिनट पढ़ा रहे हैं, आपको अवधि देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि पाठ योजना की तैयारी इन्हीं तथ्यों के निर्धारण से होनी चाहिए, विषय के अनुसार प्रकरण का चयन किया जाता है। कहने का मतलब कि जो विषय अगर आप साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस का जैसे आप बल पढ़ा रहे हैं तो प्रकरण आपका बल हो जाएगा, आप प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो प्रकाश प्रकरण हो जाएगा, आप अगर मान लीजिए रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, पदार्थ पढ़ा रहे हैं, अणु पढ़ा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आप प्रस्तावना जब निकलवाने लगेंगे उस प्रस्तावना में जो आपका निकल करके जो प्रकरण आएगा वही आपका प्रकरण हो जाता है। तो वही प्रकरण का चयन किया जाता है। उसके बाद क्या है, उपर्युक्त सभी बिंदु श्यामपट पर अंकित होने चाहिए। कहने का मतलब कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, मतलब अवधि और कालांश, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगे, ब्लैक बोर्ड जैसे ये मान लीजिए व्हाइट बोर्ड मेरा है तो आप एक साइड में दिनांक लिख देंगे, वहीं बगल में आप विषय, उप विषय, प्रकरण, कक्षा, इस तरह करते करते आपको कहीं ना कहीं आपके बोर्ड पे अंकित होने चाहिए कि कोई भी अगर आपका टीचर या कोई भी बाहरी या कोई बच्चा आया या कोई भी अगर निरीक्षण करने के लिए आया तो आपके व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे आपके देखेगा और वहीं से वो पता कर लेगा कि आज कितनी तारीख है, आज कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं, किस सब मतलब कक्षे को आप कौन सा कक्षा पढ़ा रहे हैं, दो को पढ़ा रहे हैं कि चार को पढ़ा रहे हैं, आप किस कालांश आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, तीसरा घंटी चल रहा है कि चौथा घंटी चल रहा है, आपकी अवधि है 45 मिनट का ये क्लास चलता है। तो वो सब कुछ एक बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो आपके बोर्ड पे देख करके ही पहचान लेगा। तो वही चीज़ें हैं, सब कुछ क्या होने चाहिए, व्हाइट बोर्ड या सैंपट पे अंकित होने चाहिए, परंतु प्रकरण को प्रस्तावना द्वारा निकालने जाने के पश्चात सैंपट पर अंकित होने चाहिए। जब आप प्रस्तावना मतलब पूछ करके बच्चे से, और आप जब बच्चों से जब प्रस्तावना निकलवा लेते हैं तो आपको प्रकरण डाल के हेडिंग, और प्रकरण में आप बल पढ़ा रहे हैं कि प्रकाश पढ़ा रहे हैं कि मतलब परमाणु पढ़ा रहे हैं कि अणु पढ़ा रहे हैं, जो भी आप प्रकरण आप निकलवाएंगे वो भी आपके सैंपट पे अंकित होने चाहिए, आप वहीं पे लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्रकरण बस डाल दिए हैं हेडिंग और आप क्या पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर ना हो पाए, कोई आए तो फिर आपसे पूछना पड़े आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कौन सा प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक आपका है, किसी को पूछना न पड़े। या कोई बच्चा ही जैसे है, अगर वो लेट आता है कक्षा कक्ष में तो आएगा श्यामपट पे देखेगा कि बल चल रहा है तो चुपचाप आके बैठ जाएगा, वो अपने आप को समझ जाएगा कि जो भी हमारे सर पढ़ा रहे हैं वो बल के बारे में पढ़ा रहे हैं या वो प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बैठ करके चुपचाप उसको सुनते हुए चला जाएगा। अगला पॉइंट देखिए जैसे है सामान्य उद्देश्य, इसके बाद जब आप आता है ये सब जब आप बना लेंगे तो उसके बाद आप आएगा क्या सामान्य उद्देश्य, इसमें आता है सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें आपका आता है कि सामान्य उद्देश्य किसके लिए होता है और विशिष्ट उद्देश्य किसके लिए होता है। देखिए लिखा गया है कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं, जैसे आप अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय के संबंधित सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे, अगर आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के विषय के संबंधित अगर आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, हिंदी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के मतलब हिंदी के अनुसार आपका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग सामान्य उद्देश्य आपके होते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे है क्या कि हम विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान का आपकी क्लास है ये, तो साइंस की आपकी क्लास है, तो उसमें क्या है कि विज्ञान के सामान्य उद्देश्य निम्न है, हम आपको दो तीन उद्देश्य आपको दिए भी हैं, लिखवा भी दिए हैं ताकि आप उसमें पहचान लीजिए कि विज्ञान के अनुसार क्या सामान्य उद्देश्य है। इसी तरह आप अपने कापी किताब या कहीं से जब आपको सर लोग आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट या पढ़ाएंगे उसमें वो बताएंगे हिंदी वाले सर या जो भी होंगे कि उसके अनुसार उस सब्जेक्ट के अनुसार आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होगा। जैसे देखिए विज्ञान के अनुसार क्या है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, आप जब भी ऐसा पाठ योजना बनाइए या कक्षा कक्ष में जब भी आप बच्चों को पढ़ाइए तो इस उद्देश्य से पढ़ाइए कि छात्र में कौन सा दृष्टिकोण का विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसमें उत्पन्न हो सके, उसका विकास हो सके, वैज्ञानिकता का विकास हो सके। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि वैज्ञानिक कार्य कुशल का विकास करना, कि वैज्ञानिक कुशल कार्य मतलब वैज्ञानिक जो कार्य है कि बच्चा वैज्ञानिक कार्य के लिए मतलब अपने आप को उत्साहित हो सके, अपने आप को कार्य कर सके। अगला देखिए क्या है उसका विकास उसमें हो सके उस बच्चे में। आगे देखिए क्या है कि छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जैसे कि अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम अगर विज्ञान आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको विज्ञान विषय के प्रति क्या हो रुचि उत्पन्न हो, आप विज्ञान में रुचि ले सकें, आप पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। अगला जैसे सामान्य उद्देश्य था उसी तरह से इसमें दो चीज़ें आ जाती है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या है कि विशिष्ट उद्देश्य पाठ प्रकरण से संबंधित होते हैं। देखिए इसमें दो चीज़ें ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, जो सामान्य उद्देश्य होता है विषय से संबंधित होता है, विषय का मतलब कि आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं कि विज्ञान पढ़ा रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं कि इतिहास पढ़ा रहे हैं कि भूगोल पढ़ा रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं विषय से संबंधित हो जाएगा। लेकिन वहीं आप विशिष्ट उद्देश्य में जब आप जाएंगे तो आपका प्रकरण जो आप निकालेंगे, जैसे आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं विज्ञान में
आप कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, कौन सी आपकी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप बल पढ़ा रहे हैं तो बल के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य होगा, प्रकाश पढ़ाएंगे तो प्रकाश के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य होगा, अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ा रहे हैं, अगर आप परमाणु पढ़ा रहे हैं, अणु पढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुसार आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। तो वही चीज़ देखिए लिखा गया है कि विशिष्ट उद्देश्य पाठ प्रकरण से संबंधित होता है, कि पाठ का जो भी आप प्रकरण आप निकलवाए हैं प्रस्तावना के अनुसार उससे संबंधित होते हैं, और विषय के प्रकरण के आधार पर विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। देखिए जो आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, या तीन तरह से वो काम करते हैं, या आपको बच्चों में विकास करते हैं। कैसे? पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि उसमें ज्ञान के प्रति मतलब वो कैसा बच्चा हो तो उसमें ज्ञान आए, मतलब ज्ञान की रुचि उसमें हो। जैसे देखिए लिखा गया है कि छात्र बल के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम बल चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा बल के बारे में अपने ज्ञान अर्जित करेगा, ज्ञान के बारे उसमें मतलब बल के बारे में वो सीख सकता है, उसमें ज्ञान उसमें आएगा बल के बारे में। तो वही चीज है, ज्ञान बल मतलब छात्र बल के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। दूसरा पॉइंट जैसे देखिए बोधात्मक, जैसे देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में क्या हो जाएगा, छात्र बल की व्याख्या कर सकेंगे। अगर बच्चों को आप बच्चा अगर ज्ञान जब अर्जित कर लिया है तो बल के बारे में, तो जब बल के बारे में जब ज्ञान अर्जित कर लिया है तो उसके बारे में बल के बारे में वो क्या करेगा, बच्चा अपने से खुद से उसमें बोधात्मक का वो बोध कर रहा है, उसमें जब ज्ञान उसके बारे में जब हो गया तो उसको बोधात्मक कार्य के अनुसार क्या करेगा, व्याख्या कर सकेंगे। मतलब बच्चा अपने से भी उसके बारे में कुछ न कुछ बातें उस बल के बारे में जान पाएंगे, या उसको बता सकते हैं अगर किसी और को बताना चाहे तो। वही क्या हो जाएगा, बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा। क्रियात्मक उद्देश्य क्या हो गया, कि छात्र बल का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, इसी को क्रियात्मक उद्देश्य या प्रयोग उद्देश्य कह सकते हैं, कि यही प्रयोग कार्य भी है। तो वही कहने का मतलब है कि छात्र जो है बल का, अगर आप बल पढ़ मतलब बच्चा अगर पढ़ लिया है तो उस बल का अपने दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है, उसको भी वो क्या करेगा अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, बाकी के पद आपको हम और भी देते हैं। देखिए इसमें जो पांचवा जो इनके जो पद हैं वो पांचवा पद क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री, या इसी को हम कहते हैं सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हम देखेंगे तो क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो जब आप कक्षा कक्ष में जब आप जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं जिसकी कि आपको कक्षा कक्ष में आवश्यकता होती है, तो वही है शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण और स्पष्ट करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब समझिए क्या है, कि जब आप कक्षा कक्ष में जाते हैं, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं छात्र छात्राओं को, तो उन छात्र छात्राओं में ऐसी रुचि उत्पन्न हो, वो उस विषय के प्रति या उस टॉपिक के प्रति वो बच्चा और भी ज़्यादा रुचि ले, और भी उत्साहित होकर के उस चैप्टर को पढ़े, उस टॉपिक को पढ़े, उसके लिए हम अन्य अन्य ऐसी कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करें जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को सीख पाए और उसमें वो रुचि ले। तो देखिए क्या है कुछ, तो जैसे देखिए क्या है, इसमें दो पार्ट आते हैं। एक क्या है आवश्यक, मतलब जो आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री, कहने का मतलब क्या है कि वो हमेशा शिक्षक के पास होना ही चाहिए, ऐसा वो नहीं है कि वही कुछ ही मतलब टॉपिक ऐसे हों जिसके की जरूरत पड़े, नहीं, वो चाहे जो भी टॉपिक शिक्षक पढ़ाए ये आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं जो कि हमेशा शिक्षक के पास होना चाहिए, चाहे वो अच्छा रुचि पर पूर्ण पढ़ाए तब भी, नहीं पढ़ाए तब भी, वो अगर कक्षा कक्ष में जाता है टीचर तो उसको ये आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जरूर होनी चाहिए। जैसे क्या है, चाक डस्टर और श्यामपट, जाहिर सी बात है कक्षा कक्ष में जाएँ तो श्यामपट जरूर होना चाहिए। आवश्यक सहायक सामग्री में जैसे एक डस्टर जरूर होना चाहिए मिटाने के लिए, और एक चाक जरूर होना चाहिए ताकि बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हों अगर नहीं समझ में आए तो तुरंत हम श्यामपट पे लिख दे। ये तीन चीजें जो हैं वो एकदम आवश्यक होती हैं, जो कि एक कक्षा कक्ष में होना ही चाहिए और एक शिक्षक के पास होना ही चाहिए। आगे देखिए क्या है, प्रकरण से संबंधित, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रकरण हम निकाले हैं, जो भी बिंदु, जो भी प्रकरण के बारे में हम बच्चों को छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण से संबंधित कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां होती हैं, वो उनको लेकर के कक्षा कक्ष में जाने चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या है, रेडियो है, प्रोजेक्टर है, चित्र मांडल है, पॉइंटर है। मान लीजिए अगर कक्षा कक्ष में रेडियो प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो हम घर से ही एक चार्ट पेपर खरीद करके उस पर चित्र मॉडल, हम जो भी अगर मान लीजिए हम कोशिका पढ़ा रहे हैं तो कोशिका का हम घर सही फिगर बना करके जाएं। हम मान लीजिए प्रकाश, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब अगर कुछ भी ऐसी चीजें अगर हम पढ़ा रहे हैं या जटिल से जटिल कुछ ऐसी मतलब प्रकरण मेरा है तो उसको हम घर से ही पाठ मतलब एक पॉइंट मतलब चित्र मॉडल बना करके, या हम मार्केट से
चित्र मॉडल खरीद करके ले जा करके हम कक्षा कक्ष में उसको लटका दें, टांग दें, जिससे कि बच्चा उस चित्र को देख करके और भी रुचिपूर्ण ले और भी उत्साहित होकर के उस प्रकरण को वो पढ़ सके। तो यही है उसके प्रकरण से संबंधित शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या है, शिक्षण की विधियाँ। आपको हम पहले ही बताए हैं कि शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती हैं, तो आपको शिक्षण की विधियाँ पहले वीडियो में मतलब शुरुआत से आप जब देखेंगे प्ले लिस्ट में जा करके तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो शिक्षण विधियाँ क्या है, तो पाठ योजना में कौन कौन सी विधि प्रयोग करने जा रहे हैं उसका उल्लेख करना आवश्यक होता है। कहने का मतलब कि अगर हम विज्ञान में जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो उस विज्ञान में पढ़ाने में उस टॉपिक में हम व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं, हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कि हम किस किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं उसमें लिखना होता है कि हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, शिक्षण की विधियां हो जाएंगे। आगे देखिए क्या होता है, पूर्व ज्ञान। आपको हम बताए भी हैं कि पूर्व ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ती है, तो जब आप प्रस्तावना जब बच्चों के बीच में जब आप निकलवाते हैं, जब प्रस्तावना के जब कार्य जब आप कराते हैं, तो उसमें बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पूर्व पहले से ही कितनी ज्ञान है वो, या उस टॉपिक के बारे में बच्चा या छात्र छात्राएँ कितना जानते हैं, वही क्या होते हैं, उनके पूर्व ज्ञान होते हैं। उसमें दो तीन लाइनें जैसे कैसे आप लिखेंगे कि प्रत्येक पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का उल्लेख करना आवश्यक होता है, इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा प्रकरण से संबंधित, आपको हम पहले बताए कि जब भी आप प्रकरण प्रस्तावना जब आप निकलवाएंगे तो उससे संबंधित वो बच्चा पहले से क्या चीज़ें जानता है, पूर्व ज्ञान या अनुभव कितना है उसके नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है। कहने का मतलब कि बच्चा पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना जानता है, पहले से उसको कितनी जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, ताकि जब आप प्रकरण निकलवा करके और जब उस प्रकरण के बारे में नया जानकारी उसको नवीन जब ज्ञान जब आप देंगे तो बच्चा उससे रिलेटेड मतलब रिलेशन एक अपना बैठा सके, उसके बारे में वो जान सके, इससे उसमें क्या होती है बच्चों को सहायता मिलती है। आगे देखिए क्या है, प्रस्तावना। जैसे कि आठवां जो पॉइंट आपका जो पद है वो क्या है, प्रस्तावना है। उसमें प्रस्तावना में देखिए क्या है कि किसी भी पाठ योजना का सबसे पहले महत्वपूर्ण पद प्रस्तावना होता है। कहने का मतलब आप यहाँ समझिए क्या है कि आप प्रस्तावना बच्चों के बीच में कक्षा कक्ष छात्र छात्राओं के बीच में आप प्रस्तावना निकलवाते हैं प्रकरण के बारे में प्रस्तावना के माध्यम से। जब आपसे उस प्रस्तावना में होता क्या है कि आप तीन चार क्वेश्चन प्रश्नों को आप पूछते हैं बच्चों से और बच्चे उससे कुछ जो भी उनके पास जानकारी होती है उनको वो बताते हैं। और उसमें होता क्या है कि उस प्रस्तावना जब आप निकलवा रहे होते हैं अपने प्रकरण को तो आपको चार से पाँच क्वेश्चन आपको बच्चों के बीच में पूछना होता है और जो लास्ट क्वेश्चन आप मान लीजिए या तो चौथे क्वेश्चन में आप अपना प्रकरण निकलवा लीजिए या तो पांचवें अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखवाए हैं कि किसी भी पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद प्रस्तावना होता है और इसमें चार से पांच प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्न में पाठ का प्रकरण निकलना चाहिए। यह प्रश्न मूल पाठ पर पहुंचने का एक मार्ग होता है। कहने का मतलब आपको यही स्पष्ट हो गया होगा कि आपको चार से पांच प्रश्न बच्चों से पूछना है और जब चार से पांच प्रश्न जब आप पूछेंगे तो या तो चौथा प्रश्न को आप लास्ट क्वेश्चन अपना बना लीजिए प्रकरण बना लीजिए ताकि बच्चा पांच चौथा क्वेश्चन में वो न बता पाए या अपना नवीन ज्ञान उसको न हो पाए नवीन ज्ञान उसमें आप उसको बता पाए पूर्व ज्ञान उसको बस जो कुछ भी रहे तीसरे क्वेश्चन तक रह पाए या पांचवा क्वेश्चन आप अंतिम क्वेश्चन जाके आपको चौथे या पांचवें क्वेश्चन में आपको प्रकरण निकलवा लेना है बच्चे से और जो आप प्रकरण जब निकलवा लेंगे तो उसी को मूल पाठ आप बना करके आप बच्चों के बीच में क्या करेंगे प्रस्तुत करेंगे और आप उसी टॉपिक के बारे में प्रकरण के बारे में आप बच्चों को पढ़ाएंगे। यही आपका क्या होता है प्रस्तावना होता है। अगला आप देखिए क्या है उद्देश्य कथन। क्या है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन की क्या होता है कि जब आप प्रस्तावना जब आप निकलवा लेते हैं प्रश्नावना जब आप पूछ लेते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने के पश्चात शिक्षक कक्षा में पढ़ाए जाने वाले नए पाठ की घोषणा करते हुए कहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बल को निकलवा लिए हमारा प्रकरण बल हो गया तो हम कहते मतलब कहेंगे कि आज हम इस प्रकरण को या बल के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात वह प्रकरण मतलब बल को श्यामपट पर लिख देता है। कहने का मतलब कि हम बच्चों के बीच में कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे और कहते हुए हम बल को प्रकरण जहां लिखे रहेंगे उसी के सामने बल लिख करके छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया उद्देश्य कथन हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि विषय स्थापन। तो ये विषय स्थापन किसके लिए होता है तो हिंदी के लिए होता है। आपको हम पहले ही बता दिए कि हम अगर पाठ की योजना मतलब पाठ योजना के पद पढ़ा रहे हैं तब इसमें ये नहीं कि हिंदी वाले सर आपको अलग से आकर के पाठ योजना में हिंदी के पद पढ़ाएंगे। नहीं, हिंदी के पद कहीं ना कहीं यही होते हैं उनके भी। उसमें सिर्फ एक चीज़ बस बढ़ जाती है विषय स्थापन हिंदी। मतलब हिंदी इसलिए लिख दिया हूँ कि ये हिंदी के बच्चों के लिए होता है। अगर आप हिंदी के अलावा किसी भी आप हैं तो आप इस वाले प्रकरण को हटा देंगे इस पद को आप यहाँ से क्या करेंगे हटा देंगे।
हिंदी का। बाकी आप हिंदी के अगर हैं तो आप इस भी पद को उसमें ले लेंगे। इसमें देखिए है क्या विषय स्थापन, इसका क्या कहने का मतलब है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं दो तीन लाइन। तो यह भाषा विषय के लिए किया जाता है, आप हिंदी के लिए भाषा है तो हिंदी के लिए करेंगे, और अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी के लिए भी हमें लगता है कि होगा ही। तो यह भाषा विषय के लिए किया जाता है। इसके तत्पश्चात यह मतलब इसके इससे तात्पर्य यह है कि इससे तात्पर्य यह है कि लिए गए प्रकरण को कितने भागों में पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में ऐसे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े गद्य और पद्य आ जाते हैं, उस गद्य और पद्य को एक ही में तो आप पढ़ाएंगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं उस गद्य पद्य को आपको दो से तीन पार्टों में उसको बांट दिया जाता है, और जो उसको बांटते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है, प्रकरण को कितने भागों में पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी विषय में किसी भी पाठ्य योजना को कम से कम दो या दो से अधिक अनुवृत्तियों में पढ़ाया आवश्यक होता है। कहने का मतलब कि अगर आपको गद्य होगा या वही पद्य होगा तो उसको आप अनुवृत्ति जो है इसी अनुवृत्ति को उसी गद्य या पद्य को हम दो से तीन पार्टों में क्या करेंगे, अलग अलग पार्टों में उसको हम बांट देंगे, और बांट करके उसको हम क्या करेंगे फिर उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यही आपका क्या है, हिंदी वालों के लिए विषय स्थापन है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी इससे अभी कितने पद हुए, पद के हम 16 पॉइंट आपको बताए थे, ये आपके 10 पद हुए, मतलब 10 पॉइंट हुए, और अभी 6 पॉइंट जो है उसको ये पार्ट वन रहेगा वीडियो। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको 6 पॉइंट और जो बचे हुए हैं उसको भी हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम समझ रहे हैं कि स्क्रीन शॉट आपका हो गया होगा। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी वीडियो पे नए लोग हों वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो पे नए लोग जो हों वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि आप लोग तो देख रहे हैं, आप लोग तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ और लोग भी आपके दोस्त मित्र भाई बहन जो भी हों वो भी देख करके वीडियो से लाभान्वित हो सके। आपको हम आज पहले ही बता दिए हैं कि जो पाठ्य योजना के पद हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो ये सभी जितने भी आप होंगे साइंस से लेकर के मैथ से लेकर के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो सबके लिए ये लाभपूर्ण है। हिंदी अगर है तो हिंदी वालों के लिए भी लाभपूर्ण है। तो इसी के साथ हम चाहते हैं, धन्यवाद।